55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। हाजरे, दो चीजें होती हैं, एक होता है शेर, एक होता है उसको परफॉर्म करना, परफॉर्मेंस। जो बड़े बड़े मुशायरे होते हैं और वहां पे जो बड़े बड़े शोरा 15,000 से लेके 50,000 रुपए देकर जो बुलाए जाते हैं ना, तो उनके शेर ये हमारे साथियों के शेरों से कोई बहुत अच्छे नहीं होते। वो उनका उनका ड्रामा होता है और उनके सब बनावट, उनका तसन्नो होता है और कहीं ना कहीं वो मशहूर हो चुके होते हैं तो उनका गोबर भी मरहम नजर आता है। तो ये चीजें हैं, इसलिए आप समझ लीजिए कहीं से ऑल इंडिया और बड़े बड़े शोरा से कम कहना चाहिए, ये अशआर नहीं है जो हमारे शोरा इकराम पेश कर रहे हैं। ये मुस्तफा कमाल हबीबी का शेर जो है ना, रात इंदौरी को दे देंगे तो वहां पे मजमा चीख उठेगा, वो उसके स्टाइल में पढ़ दे तो एक बार। तो ये अंदाज हुआ करता है मरहूम राहत इंदौरी साहब ने, इनकी अशआर को जिंदा और जावेद अपने अंदाज से बना दिया। वो यहाँ पर एडिटिंग में एक मतलब आया, उनका हार्ट टूटा हुआ था, प्लास्टर चला हुआ था, अब वो शेर सुनाने के लिए खड़े हुए तो उस चीज को भी उन्होंने अपने परफॉर्मेंस का हिस्सा बना लिया। उन्होंने कहा क्या, खड़े होते ही उन्होंने कहा कि मेरे एक हाथ पर आज प्लास्टर चढ़ा हुआ है, इसलिए आज आपको मेरे पूरे अशआर मेरे एक ही हाथ से सुनने पड़ेंगे। तो ये होता है परफॉर्मेंस, वो एक खूबी एक अलग होती है। हमारे साथियों को अल्लाह ताला वो खूबी से नवाजे, हम उन शोरा तक अपने साथियों को पहुंचता हुआ देखना चाहते हैं। आइए, हमारे शहर की एक ऐसी आवाज जो मुसलसल चौंका रही है, जो मुसलसल लोगों को मुतवज्जे किए हुए है, जो मुसलसल नए नए ढंग, नए नए रंग, नए नए आहंग से वो आवाज हमारे सामने आ रही है। शेर व शायरी के हवालों से एक उभरता हुआ नाम, एक ऐसा नाम जब वो पढ़ने के लिए नौजवान खड़ा होता है तो लोग मुतवज्जे होते हैं कि आज क्या चौंकाने वाला काम होने वाला है। नदीम सफर, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं आज के इस सराय सफर सिद्दीक अकबर और उनके साथियों की ये सजाई हुई महफिल है और नदीम सफर है और आपकी बेहतरीन समाते। कि कहीं मंजिल नहीं कोई, कहीं रास्ता नहीं कोई। क्या बात है, कहीं मंजिल नहीं कोई, कहीं रास्ता, कहीं मंजिल नहीं कोई, कहीं रास्ता नहीं कोई। मैं उबल ही से कहता था मगर समझा नहीं। क्या बात है, कहीं मंजिल नहीं कोई, कहीं रास्ता नहीं कोई। मैं उबल ही से कहता था मगर समझा नहीं कोई। ये मेरे साथ है जितने, सभी को जानता हूँ मैं, ये मेरे साथ है जितने सभी को जानता हूँ मैं, ये सब मेरे मुखालिफ है मगर लगता नहीं कोई। ये मेरे साथ है जितने, सभी को जानता हूँ मैं, ये सब मेरे मुखालिफ है मगर लगता नहीं कोई। जो हौसला ही नहीं तुझमें गम उठाने का, जो हौसला ही नहीं तुझमें गम उठाने का, ख्याल छोड़ मेरी जिंदगी में आने का। जो हौसला ही नहीं तुझमें गम उठाने का, ख्याल छोड़ मेरी जिंदगी में आने का। और तुझे बता दूं ताल्लुक को तोड़ने वाले, मुझे बता दूं ताल्लुक को तोड़ने वाले, मुझे भी शौक नहीं रिश्तगी निभाने का। मुझे बता दूं ताल्लुक को तोड़ने वाले, मुझे भी शौक नहीं रिश्तगी निभाने का। अब तुम्हारे जाते ही शीशा घरों की बस्ती से, तुम्हारे जाते ही शीशा घरों की बस्ती से, रिवाज खत्म हुआ आईना बनाने का। तुम्हारे जाते ही शीशा घरों की बस्ती से,
रिवाज खत्म हुआ आईना बनाने का, और अभी से किस लिए वीरान हो गया खैमा? अभी से किस लिए वीरान हो गया खैमा? अभी मैं सोच रहा था दिया बुझाने का, बहुत शुक्रिया दोस्तों। बहुत अच्छे भाई, सराय सुकन की पहले नशीस तो सिद्दीक अकबर साहब को बहुत जरूर मुबारकबाद। बहुत मेहनती की भाई ने मतलब एक शेर सिद्दीक अकबर की नजरों कि हर मकान है अनजाना हर गली पर आई है, हर मकान है अनजाना हर गली पर आई है, किस दयारे वहशत में तेरी याद आई है। हर मकान है अनजाना हर गली पर आई है, किस दयारे वहशत में तेरी याद आई है, क्या ये कम है जिंदा के इस कदर अंधेरे क्या ये कम है जिंदा के इस कदर अंधेरे में, हमसे कुछ असीलों ने रोशनी उगाई है। क्या ये कम है जिंदा के इस कदर अंधेरे में, हमसे कुछ असलियों ने रोशनी उगाई है। एक गजल के कुछ शेर हर प्यारी रखती जगह, मतलब है कि तेरी बातों में छुपी बात से वाकिफ हूँ मैं, तेरी बातों में छुपी बात से वाकिफ हूँ मैं, तेरे लहजे के तिलिस्मात से वाकिफ, तेरी बातों में छुपी बात से वाकिफ हूँ मैं, तेरे लहजे के तिलिस्मात से वाकिफ हूँ मैं, इन दरख्तों से ताल्लुक है पुराना मेरा, इन दरख्तों से ताल्लुक है पुराना मेरा, इन परिंदों के ख्यालात से वाकिफ, इन परिंदों के ख्यालात से वाकिफ हूँ मैं, तुझको खोने से बड़ा दुखी नहीं है कोई, खोने से बड़ा दुख ही नहीं है कोई, इश्क में जितने भी सदमात से वाकिफ हूँ मैं, इश्क में जितने भी सदमात से वाकिफ हूँ मैं, ऐ मेरे शहर सलामत तेरे चेहरे की चमक चमक, मेरे शहर सलामत तेरे चेहरे की चमक, तेरे अंदर के फसादात से वाकिफ, के फसादात से वाकिफ हूँ मैं, जैसे पहले भी यहाँ आना हुआ हो, जैसे पहले भी यहाँ आना हुआ हो मेरा, जैसे इन सारे मकामात से वाकिफ बचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।